वनवास काटने वाले सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर पांडवों की तरह रहे। ये आपकी गलत फहमी है नाना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी वनवास के समय में ही किया था। इन हाथों को शबरी के आगे झुकना भी आता है और रावण का वध करना भी। अब फैसला तुम कर लो कि शबरी की तरह जियोगे या रावण की तरह मरोगे।